रक्षा मंत्रालय में जासूसी का मामला सामने आया है। यह मामला पिछले साल फरवरी का है। रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन सेना प्रमुख और तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग सेना की तैनाती के बारे में हुई, लेकिन इस टॉप सीक्रेट मीटिंग का पता चला पाकिस्तान की आईएसआई को। खुफिया जानकारी के लीक होने से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। रक्षा मंत्रालय में जासूसी का खुलासा। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की बातचीत की जानकारी लीक हुई। खुफिया जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई के पास पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सेना में एक जासूसी का बड़ा मामला सामने आया है। ये बात है फरवरी 2014 की। केरल में एनकाउंटर चल रहा था तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बीच एक पूरी बातचीत हुई, और फिर उसके बाद इसी बातचीत को अगले दिन भी आगे बढ़ाया गया। एक प्लान तैयार किया गया ताकि आतंकियों से निपटा जा सके, लेकिन पलक झपकते ही ये प्लान सरहद पार यानी पाकिस्तानी आईएसआई के पास पहुंच गया। जब इस मसले पर पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में रक्षा मंत्रालय और मौजूदा सरकार से पूछा जाना चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री ने इस बारे में स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर डाल दी। यू चेक अप विद द मिनिस्ट्री। सर कि आपकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी और कॉन्वर्सेशन एंड जनरल यू चेक अप द गवर्नमेंट। यू चेक अप द गवर्नमेंट। यू चेक अप द प्रेजेंट गवर्नमेंट।